नमस्कार, आप देख रहे हैं ANS मीडिया ग्रुप। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में। दोस्तों, जैसे कि पता है, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी मंडल का चुनाव आज संपन्न हो चुका है और काउंटिंग की प्रक्रिया अंदर चल रही है चुनाव कार्यालय में। दोस्तों, अभी अनाउंस हुआ है कि 7 बजे से पहले अनाउंस कर दिया जाएगा कौन से कैंडिडेट जो है इस चुनाव में बाजी मार रहे हैं। फाइनल काउंटिंग जो है चल रही है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, तमाम जो है वोटर सपोर्टर यहां जो है मौजूद हैं। दोस्तों, चुनाव घोषित होने के बाद चुनाव अधिकारी का, मुख्य चुनाव अधिकारी का भी कमेंट लेंगे, क्या बता रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी मंडल का जो चुनाव हुआ था, उसका परिणाम भी घोषित हो चुका है। आपने बाहर देखा किस तरह से सभी पदों पर जो 4 पद थे उनका घोषणा जो है हो चुका है। आइए, खुद यहाँ जो चुनाव अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी सबसे एक एक करके बात करते हैं किस तरह का अनुभव रहा इस चुनाव में और किन पदों पर किन लोग जो है चुन करके आए। आप सभी को ANS मीडिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर प्रदीप जी, क्या कहेंगे, आज का जो परिणाम घोषित हुआ, किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं सर? सबसे पहले तो रंजन जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके ANS मीडिया के थ्रू हम जितने भी हैं सबको हम उनके संज्ञान में सब डाल देते हैं कि भाई ये सब हुआ, ये सब प्रोसीजर हुआ, ये सब आगे हुआ, तो आपके माध्यम से सबको बहुत एकदम लेटेस्ट जानकारी मिलती है। आप बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हो, वीडियो बना करके इमीडिएट आप नेक्स्ट डे, मैक्सिमम नेक्स्ट डे आप अपलोड करते हो, ये सब बहुत बढ़िया है। और मैं सभी भाइयों का, सभी कैंडिडेट्स का और स्पेशली मेरी चुनाव समिति का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। चुनाव बहुत शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और एक एक आदमी की तसल्ली करके कराए गए हैं। और जो भी हारा है वो भी खुश है, जो जीता है वो भी खुश है। हारने वाले ने भी अपनी हार एक्सेप्ट करी है, जीतने वाले ने भी अपनी जीत एक्सेप्ट करी है। और सब जो चुनाव के जो परिणाम है वो ऑलरेडी हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। प्रधान पत्र पर तो नरेश जी आए हैं और उप प्रधान चतुर्थ पे गौरव जी आए हैं। मंत्री पद पे विनोद कुमार सिंगल आए हैं। संयुक्त मंत्री पे उमंग जी आए हैं। बाकी की बात मेरे सहयोगी महेंद्र जी, राजेश जी और पंकज जी और अंशुल भाई, भूषण जी, संजय जी, सौरभ जी और शिव कुमार जी, ये सब अपने अपने विचार आपको देंगे। धन्यवाद। सर प्रदीप जी ने सब कुछ कह दिया, हमें अब कुछ भी कहने की दरकार नहीं है। हमारी तरफ से प्रदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, इतनी अच्छी तरह काम किया। और बाजार वालों को भी हम बहुत ही विश्वास में ये कह सकते हैं, बहुत अच्छा काम हुआ और विश्वास, बाजार वालों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। हम बाजार वालों के, मतदाताओं का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। रंजन जी, आज के चुनाव में मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी की टीम के साथ में एकदम सुचारू रूप से व्यवस्थित चुनाव का समापन हुआ और उसमें किसी किस्म की कोई बाधा नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धि है और हम आशा करेंगे कि भविष्य में भी ऐसे ही सुचारू रूप से इलेक्शन करें। आइए अंशुल जी से बात करते हैं। बताइए अंशुल जी, क्या किस तरह का अनुभव रहा, दूसरा ये चुनाव था आपका? रंजन भाई, प्रदीप जी के साथ काम करके दूसरी बार बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला दोबारा। और मैं सबको ये कह सकता हूँ कि ये चुनाव पिछले वाले चुनाव से आप भी समझ रहे होंगे कि बहुत अच्छे तरीके से हुआ और हमने रिजल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया, जो पिछली बार हमें बहुत टाइम लगा था। तो हम बहुत खुश हैं, सभी इस टीम में सबने अच्छे से अपना रोल निभाया, जो जिसकी ड्यूटी दी थी बहुत अच्छे से की सर। थैंक यू। संजय जी क्या कहेंगे? प्रदीप जिंदल जी हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी और पूरी टीम ने मिलकर निष्पक्ष चुनाव को पूरा कराया है और सभी पदाधिकारी जो जीते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। नहीं, धन्यवाद रंजन जी। प्रदीप जिंदल जी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जितना निष्पक्ष और ईमानदार अनुभव आपको भी हुआ होगा और हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं इनका भी कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारे इन्होंने एक अनूठी मिसाल पेश की है। तो प्रदीप जिंदल जी की को हार्दिक धन्यवाद पूरी कोर कमेटी की तरफ से। किस तरह का अनुभव रहा है, आप वर्षों से यहाँ का सेक्रेटरी रहे हैं, गृह कार्यालय सेक्रेटरी? और धन्यवाद रंजन जी, मैं ANS मीडिया ग्रुप के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस बार जो चुनाव हुए हैं वो श्री प्रदीप जिंदल जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने बहुत लगन और ईमानदारी के साथ चुनाव कराने में सफलता हासिल की है। चुनाव बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुए,
इसके लिए सभी सदस्यों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने शालीनता से बड़े संयम के साथ इस चुनाव को संपन्न कराया, धन्यवाद। कोर कमेटी के सहयोगी सौरभ जी हैं, सौरभ जी क्या कहेंगे अनुभव के बारे में? नहीं, मेरा पहला चुनाव था जिसमें मैंने सहयोगी के रूप में कार्य किया और मैंने इसमें प्रदीप जिंदल जी का इलेक्शन कराने का जो तरीका देखा बहुत ही अच्छा था। जीतने और हारने वाले किसी को भी ये एतराज़ नहीं हुआ कि किसी के साथ भी कोई पक्षपूर्ण कार्य हुआ है। सब जिंदल जी से बहुत खुश थे और उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव कराया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले तो सबसे पहले प्रदीप जिंदल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें इस लायक समझा कि अपनी कोर कमेटी की टीम में शामिल किया और ये अनुभव हमें दिया कि हम इनकी इनकी गाइडेंस के अंदर ये काम कर सकें इस इलेक्शन को सुचारू रूप से चलाने का, और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसलिए मैं पूरी कोर कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के जीते हुए पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जो भाई हमारे जीत नहीं पाए हैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने भी पूरे अपने तन मन धन से पूरे इलेक्शन को सुचारू रूप से चलाया, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो है चुनाव परिणाम का बेसब्री से जो है इंतज़ार किया जा रहा है। इसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से उम्मीदवार किसके जो है सपोर्टर हैं यहाँ, लेकिन जो भी हैं चार उम्मीदवार जो है जीत करके आएंगे, आठ कैंडिडेट हैं जिसमें से चार ही जीतेंगे, चार को हार का सामना जो है करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है कि ये भाईचारे का है, जो भी यहाँ जीतने वाला जीतेगा, हारेगा कोई नहीं है, भाईचारे का चुनाव है। तो आप देखिए किस तरह से लोग जो है, जैसा कि आप लोगों ने सुना, तीन पदों का रिजल्ट जो है घोषित हो चुका है। उप प्रधान चतुर्थ पर गौरव गुप्ता जीत चुके हैं, मंत्री पद पर विनोद सिंगल जीत चुके हैं और संयुक्त मंत्री पर जो है दोस्तों उमंग जैन जीत गए हैं, और प्रधान पद का अभी रिजल्ट जो है बस कुछ ही पल में घोषित होने वाला है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यहाँ समर्थकों का हुजूम आप देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और आइए देखिए अब मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी चुनाव की ये प्रधान पद का घोषणा जो है करेंगे। घोषणा थी प्रधान की, हमने सबसे यहाँ सबकी सहमति से, सबकी संतुष्टि के हिसाब से, सबके साइन करा करके उसके बाद जो आखिरी पद है प्रधान जी का, उसको मैं घोषणा करता हूँ, उसके मतदान और परिणाम की घोषणा करता हूँ। कुल मत है 625, मतदान हुए 558, दो वोट रद्द हुए, कम कोई पाया नहीं गया, तो बैलेट वोट जो थे वो 556 थे। इसमें प्रत्याशी श्री कुलभूषण गुप्ता जी को 271 वोट मिले और श्री नरेश कुमार गुप्ता जी को 285 वोट मिले। श्री नरेश कुमार गुप्ता जी को बोलने के लिए शब्द नहीं है, बाजार को जो चाहिए था वो आ गया है। पद है उप प्रधान चतुर्थ का, कुल मत हमारे 625 थे, मतदान प्राप्त हुआ 558 पर गिरा, रद्द मत हमारे 5, कुल मत थे हमारे 625। दोबारा रिपीट करता हूं, मतदान हुआ 558 पर, रद्द मत थे 5, कम कोई वोट पाया नहीं गया, वैध मत 553, प्रत्याशी का नाम श्री गौरव गुप्ता, श्री रवि कुमार रवि सोनू जी, गौरव गुप्ता को 353 वोट मिले, रवि कुमार सोनू को 200 वोट मिले। श्री गौरव गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री रवि कुमार सोनू को 153 मतों से पराजित किया। हम श्री गौरव गुप्ता को उप प्रधान चतुर्थ पद पर विजयी घोषित करते हैं। हमारे चुनाव अधिकारी की ओर से और पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। व्यापारी भाइयों, दूसरा पद हमारा मंत्री पद का है, कुल मत हमारे 625 थे, मतदान हुआ 558 पर, रद्द मत मिले 4,
कम कोई पाया गया नहीं। वैध मत थे 554, ये पद है हमारा मंत्री का। प्रत्याशी के नाम श्री विनोद कुमार सिंगल, श्री रवि पारिख जी। विनोद कुमार सिंगल को 356 वोट मिले, रवि पारिख जी को 198 वोट मिले। विनोद कुमार सिंगल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रवि पारिख जी को 158 मतों से पराजित कर किया और हम श्री विनोद कुमार सिंगल जी को मंत्री पद पर विजयी घोषित करते हैं। हमारे चुनाव अधिकारी इन पदों का रिजल्ट जो है घोषित हो चुका है। उप प्रधान चतुर्थ पर गौरव गुप्ता जीत चुके हैं, मंत्री पद पर विनोद सिंगल जीत चुके हैं और संयुक्त मंत्री पर जो है दोस्तों उमंग जैन जीत गए हैं।